कुछ दिन पूर्व ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शराब की दुकान आबकारी विभाग को संचालित करने के निर्देश जारी किए गए थे और ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि आबकारी विभाग दुकान संचालित करने में अक्षम नजर आने लगा है। ऐसा ही एक मामला होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा के टप्पा तहसील शिवपुर में देखने को मिला, जहां आबकारी विभाग के द्वारा अंकित मूल्य से अधिक पर शराब का विक्रय किया जा रहा है, जिसको लेकर विगत दिवस किसान कांग्रेस पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप शराब दुकान पर आबकारी विभाग के द्वारा अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब बेचने वाले कर्मचारियों और शराब के मूल्य की सूची चस्पा करने की मांग की गई थी। साथ ही कुछ कर्मचारियों के द्वारा दुकान में बैठकर वर्दी पर ही शराब पीने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की थी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप 3 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर होशंगाबाद कलेक्टर का पुतला जलने की चेतावनी दी है। किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि ज्ञापन के बाद आबकारी विभाग के अधिकारी के द्वारा शराब दुकान पर पहुँच पंचनामा बना पूरे मामले में लीपापोती कर दी गयी, जिसके चलते आज ज्ञापन सौंप चेतावनी दी गई है कि 3 दिवस में कार्रवाई नहीं की गई तो होशंगाबाद कलेक्टर का पुतला दहन किया जाएगा। क्या मांग है? प्रिंट रेट से अधिक में शराब बिक रही थी, जिसको लेकर पूर्व में एक ज्ञापन दिया था शिवपुर एवं सिवनी कलारी पर। अवैध तरीके से आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिली भगत एवं पूर्व ठेकेदार के संरक्षण में ये अवैध शराब बिक रही थी, जिसको लेकर हमने ज्ञापन देकर अधिकारियों से ये कहा भी था कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसे लेकर आज एक ज्ञापन दिया जिसमें 3 दिन में कलेक्टर का पुतला दहन करने का अधिकारियों को कहा गया।